वहीं सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय होता है, जिस वजह से इस सावन माह के सोमवार का महत्व सबसे अधिक होता है। सावन सोमवार के बारे में और अधिक प्रकाश डालते हुए दुर्ग जिले के समाज सेवी तथा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के एस चौहान ने सावन सोमवार के महत्व के बारे में विशेष जानकारियां दी। त्र्यंबकम यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वरारोग्यम बंधनान मृत्यु मुक्षीव मामृतात। दोस्तों, हमारे सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व रहता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पूरी मानव जाति पे, पूरी सृष्टि पे पड़ता है। जैसे कि हमारा ये श्रावण का मास, जिसमें हम उपास रखते हैं सोमवार को, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। वो ये है कि इस समय जब पहली पहली बारिश होती है तो उस समय वो दूषित होती है, कीट पतंगे बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, और वो जब धरती में मिलती है और हरी पत्तियों की सब्जियां में बहुत ज्यादा कीट पतंगे आ जाते हैं। इस वजह से हमें उपवास रखना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन का, ज्यादा रख सके तो और अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि हम दूध इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि इसी माह को जो भगवान शिव हैं हमारे, वो उन्होंने मंथन, जो आप सागर मंथन जो आप जानते होंगे, सागर मंथन में अपने विष ग्रहण किया था। तो जो दूध होता है, जो कच्चा दूध होता है, वो भी दूषित हो जाता है अभी, क्योंकि जो चारा खाएंगे हमारे पशु पक्षी, जो चारा खाएंगे वैसे ही दूध आएगा। तो उस वजह से ये दूध भी उनको चढ़ाया जाता है ताकि हमारे सभी विषैले जो कीटाणु हैं वो उसमें से हमारी रक्षा की जाए और मानव जाति की रक्षा की जाए। पंचामृत भी दिया जाता है। जैसे हम टैक्स भरते हैं वैसे ही साल भर में हमारे जो प्राकृतिक जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु आकाश अग्नि, उसका हम लोग टैक्स भरते हैं। इस समय हम उपवास रख के और पंचामृत चढ़ा के, जैसे शक्कर जो है वो रिलेट करती है पृथ्वी से, दूध रिलेट करता है पानी से, दही रिलेट करता है वायु से, घी रिलेट करता है अग्नि से, और आकाश से रिलेट करता है शहद। तो ये सब चीजें हम चढ़ाते हैं तो इससे हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं अपनी प्रकृति को, अपने पंच तत्व को। और जैसे कि श्रावण सोमवार शब्द से ही हमें समझ में आता है, श्रावण मतलब सुनना, अपने गुरुजनों की वाणी सुनना। इस समय जो गुरुजन हैं वो एक जगह रुक जाते हैं, इस समय प्रवास नहीं करते हैं। तो जब रुक जाते हैं तो वो अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर विचारों से हमारे को जागृत करते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं। तो हमें जरूर गुरुजनों को सुनना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी को श्रावण सोमवार, श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।